क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न प्रतिरूपों का अवलोकन कीजिए और एक स्थान भरिए। अपन को क्या करना है कि जो प्रतिरूप है ना, प्रतिरूप का मतलब क्या है, कुछ पैटर्न फॉलो हुआ होगा इसमें, कुछ संख्या में पैटर्न फॉलो हुआ होगा, अपन को पैटर्न को पकड़ना है और आगे के नंबर लिखने हैं। एक दो संख्या से तो पता पड़ेगा नहीं, 11 का वर्ग 121 अपन को पता है, मालूम होता है। 101 का स्क्वायर क्या किया इसने, 10201, फिर 1001 का स्क्वायर ये किया, ठीक है। अपन को पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न क्या पड़ रहा है, देखो एक संख्या से तो पता नहीं पड़ा, देखो इसको मैं देख रहा हूँ 101 का जो अपन वर्ग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, 101 गुना 101 वो जो हो रहा है उसका उत्तर क्या आ रहा है। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो कि जो भी वर्ग हो रहा है उसके अंत में एक एक हो रहा है, जैसे एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, देखो ठीक है, 1001 है इसका वर्ग कर रहे हो तो यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, इस संख्या का वर्ग भी कर रहे हो तो देखो एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, ठीक है। ये कन्फर्म हो गया जो भी संख्या वर्ग आ रही है उसके इकाई के अंक में ये भी एक है और शुरुआत भी एक से हो रही है, ठीक है, शुरुआत भी एक से एक हो रही है, खत्म भी संख्या एक पे हो रही है, यानी दोनों एक के बीच में वो संख्या बन रही है, ठीक है। देखो तो इसका मतलब जैसे 101 का वर्ग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो अंत में एक एक आ गया, ठीक है, तो यहाँ 10 है तो 10 के बाद फिर 2 आ रहा है, ठीक है, 2 से इधर एक 10 उसके बाद 10, ठीक है, यहाँ 20 है तो 1 के बाद 2 0 लगाना है, फिर 2 उसके बाद 2 0 लगा के फिर 1, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ 40 है तो 40 यहाँ पे होंगे, 2 से पहले 40 और 2 के बाद 40, उससे पहले 40 2 के बाद 40, ये इसका उत्तर होगा। अब इसका वर्ग करना है देखो, एक यहाँ होगा, ठीक है, अब 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 1 2 आएगा, उसके बाद भी 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं, अपन को पैटर्न फॉलो करना था और इस सवाल में कुछ नहीं है। तो मैं पैटर्न देखता हूँ तो क्या होता है, 101 का वर्ग कर रहा है तो देखो जो भी उत्तर आ रहा है 1 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है, 1 और 1 लिख दिया, तो देखो अपन को फिर 0 देखना है, 1 के बाद 0 कितना है, 1 है, एक के बाद वो 1 0 लगा रहा है, फिर 2 लगा रहा है, वापस 1 0 कर रहा है, बस 1 के बाद कितने 0 है, 2, तो ये 2 0 फिर 2 है, फिर 2 0 पड़ा है, ठीक है, फिर ये कितने 0 है, 4, तो 2 से पहले भी 4, 2 के बाद भी 4, यहाँ पे 6 है तो 6 के बाद 1 2 और 2 के बाद 1 6 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट में अपन को पैटर्न फॉलो करना है, देखो पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं, वही का वही क्वेश्चन है, 11 का वर्ग 121, 101 का वर्ग क्या आ रहा है, देखो वही का वही, देखो 101 का जो एक वर्ग कर रहा है वो, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, 1 0 2 0 1, ठीक है, तो फिर क्या कर रहा है, 1 0 1 0 1 का स्क्वायर कर रहा है, इसमें थोड़ा सा उससे अलग है क्या है, देखो एक तो वही पैटर्न है कि 1 और 1 के बीच में आएगा, यहाँ भी 1 और 1 के बीच में आ रहा है, 1 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज क्या हो रही है कि देखो कितने कितनी एक है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये संख्या के रूप में बना रहा है, देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर उल्टी गिनती कर रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है और पास पास में 1 0 लगा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो जैसे 101 का स्क्वायर है यानी 2 है, 1 2 जो संख्या होती है ना, 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, 4 आता है, तो इसमें 2 1 है, जैसे 11 में तो 2 ही 1 है, 1 के बाद 2 आ गया, फिर वापिस 1 आ गया, यहाँ देखो 101, यहाँ कुल कितने 1 है, 2 1 है, 1 आएगा, उसके बाद फिर 0 आया, फिर 2 आया, 2 1 है, तो 1 2 तक गिनती चली, फिर वापस उल्टी, 0 आने के बाद वापस उल्टी गिनती चली, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ कुल 1 कितने हैं, 1 2 3 है, तो 3 तक तो सीधी गलती चलेगी, फिर उल्टी गिनती चल जाएगी, 3 के बाद उल्टी कौन सी है, 2 1 आ जाएगा, ठीक है, और इनके पास पास में 0 आ जाएंगे, देखो आ रहा है ये संख्या बन रही ना, इसमें कितने 1 है, 1 2 3 4, तो 4 तक तो सीधी गिनती चलेगी, यानी 1 2 3 4, 4 तक चलेगी, 4 के बाद उल्टी गिनती चलेगी, 3 2 1, और इनके पास पास में 0, 1 के बाद 0 लगा देंगे, 2 के बाद 0, 3 के बाद 0, 4 के बाद 0 0 0, बस हो गया, ठीक है। लास्ट में एक रहेगा, अपन को पता है 1 और 1 के बीच में संख्या आनी है, तो ये उत्तर आएगा इसका। यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 तक चले, यानी 5 1 होंगे, फिर उल्टी चलना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, फिर 0 1 0 लगाना है, 0 0 0 0, इस पैटर्न फॉलो करना था और कुछ नहीं। छठे क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, प्रति पैटर्न फॉलो करना है उनको, पैटर्न में क्या कह रहा है, देखो तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है, कैसे चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, तो ये क्या कह रहा है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग,
अपन को पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ क्या हो रहा है देखो, तीसरी जो है वो चौथी से रिलेटेड है और पहली दूसरी से संबंधित है। कैसे देखो, यहाँ मैं तीसरी चौथी से संबंधित है। कैसे देखो, ये 6 का वर्ग हो रहा है, 6 से अगली संख्या क्या हो रही है, 7 का वर्ग। देखो 12 के बाद 13 आ रहा है, 21 से पहले संख्या कौन सी आएगी, 20। तो यहाँ आएगा इस क्वेश्चन में आएगा 20, 20 का वर्ग संबंधित है ना। देखो 12 के बाद 13 आता है, 20 के बाद 21 आ रहा है, देखो यहाँ 30 के बाद 31 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो तीसरी संख्या पहली और दूसरी संबंधित है, तो तीसरी जो है ना पहली दूसरी संबंधित है, तीसरी चौथी संबंधित हो गई है। मैंने बता दिया कैसे, तीसरी चौथी संबंधित कैसे, 2 के बाद 3 आता है, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13। और पहली दूसरी तीसरी संबंधित कैसे है, देखो 2 गुणा 1 2 आ रहा है, 3 गुणा 2 6 हो रहा है, 4 3 12 हो रहा है, 5 4 20 हो रहा है। तो 5 को मैं किससे गुणा करूँ, 30 आ जाए, 6 6 आ जाएगा इधर, ठीक है। और 7 6 क्या होता है, 42, 42 का वर्ग, और 42 के बाद क्या आएगा, 43। उनको पैटर्न फॉलो करना था और कुछ नहीं है सवाल में, दोनों में से पैटर्न देखना है कि एग्जामिनर ने कैसा पैटर्न सेट किया है, उस हिसाब से पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ एक एक है तो वर्ग में भी देखो एक और एक के बीच में संख्या आ रही है, तो यहाँ देखो कुल मिला के कितने एक और है, 1 2 3। तो एक बार सीधी गिनती फिर उल्टी गिनती करके करना है, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है।